नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। चुनाव खत्म हो गया है, मतगणना खत्म हो गई है और फैसला भी आ गया है। फैसले में पता चला है कि बीजेपी ने एक बार फिर प्रचंड जीत हासिल की है। जीत का जश्न भी हमने देखा और आज भी जश्न जारी है। बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा गोरखपुर विधानसभा सीट से, और गोरखपुर की सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा जिसमें उन्होंने 1,02,399 वोटों से जीत हासिल की। उनको चुनौती दे रहे थे चंद्रशेखर आजाद रावण, जिनको हराया है, हार का सामना करना पड़ा है। गोरखपुर ऐसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा है जहां पे खुद सीएम के चेहरे पर हर बार वोट पड़ते आए हैं। बात करें गोरखनाथ मंदिर की, तो गोरखनाथ मंदिर को देखते हुए ही ज्यादातर वोट पड़ते हैं और काफी अच्छा दबदबा देखने को मिलता है सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में। गोरखपुर गढ़ माना जाता है। चुनाव से पहले ऐसा माना जा रहा था कि जब प्रत्याशियों की ऐलान नहीं हुआ था, प्रत्याशियों के बारे में पता नहीं था कि वो किस जगह से चुनाव लड़ेंगे, जब इस बात का ऐलान हुआ कि सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो गोरखपुर से नहीं मथुरा, अयोध्या या फिर काशी से कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन धर्मनगरी से ही लड़ेंगे किसी। लेकिन जब इस चीज का फैसला सामने आया कि नहीं, गोरखपुर से ही लड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव, तो जनता में भी खुशी की लहर देखने को मिली। गोरखपुर वासी भी काफी खुश नजर आए। और जब ये फैसला सामने आया कि वहां से उनको चुनौती चंद्रशेखर रावण दे रहे हैं, तो लग नहीं रहा था लोगों को कि कोई फर्क पड़ेगा। और जब मतगणना हुई और चुनावों के आंकड़े सामने आए कि 1,02,399 वोटों से जीते, तो काफी खुशी की लहर देखने को मिली। और गोरखपुर से ही हमारे साथ संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं इस जीत के ऊपर बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए। हिमांशु, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीत दर्ज करी है, बाहरी वोटों से पहली बार चुनाव लड़ा, हालांकि कोई इतना स्ट्रांग कैंडिडेट उनके सामने नहीं था, लेकिन फिर भी जो गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की जीत हुई है, इसका कैसा असर देखने को मिला है विपक्षियों पर? बात किया जाए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस बारे में पहले बता चुके हैं कि जब भी सीएम योगी उतरे हैं तो विपक्षियों से कम जीत का आंकड़ा 50,000 और 1,00,000 का था। ये आंकड़ा इस बार भी रहा है कि 1,00,000 पार करके उन्होंने बीच के तालमेल को भी तोड़ दिया है और ऐतिहासिक जीत हासिल की है। और बता दें कल हम लोग विश्वविद्यालय प्रांगण में थे जहाँ पे मतगणना हो रही थी, और देखा जाए तो बाहर सैकड़ों समर्थकों की भीड़ थी भाजपा के और निषाद पार्टी की। अभी हम बात कर रहे हैं गोरखनाथ मंदिर पर खड़े हैं जो योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, और हम आपको दिखा सकते हैं ठीक सामने योगी आदित्यनाथ का, और ये हमारे सामने निषाद पार्टी के प्रत्याशी जो जीते हैं इस बार वो जा रहे हैं, प्रवीण निषाद जा रहे हैं यहाँ से चौरी चौरा से। ये जीते हैं, जीत हासिल किया है इन्होंने, दर्शन के लिए आए थे, गोरखनाथ दर्शन में आए थे और यहाँ से ये वापस जा रहे हैं। और समय हालांकि उस तरह से भीड़ नहीं जैसे कल यहाँ पे, पूरी तरह से आप जमीन भी देख सकते हैं कि पूरी तरह से गेरू आ चुकी है, गुलाबी हो चुकी है, फटा पड़ा है जमीन का। और आपको बता दें, और मंदिर से कल एक जश्न का माहौल था, होली से पहले होली का माहौल था, और आज जो है हालांकि भक्तों का और आम लोगों का ही तांता लगा हुआ है, लेकिन जितने भी जीते हुए प्रत्याशी हैं वो गोरखनाथ मंदिर में आ रहे हैं और भक्त बाबा गोरखनाथ के दर्शन कर रहे हैं। जी, तो गोरखनाथ मंदिर में भी अच्छा खासा माहौल है, काफी जश्न देखने को मिला। किस तरह से जश्न मनाते नजर आए बीजेपी के कार्यकर्ता गोरखपुर में? हिमांशु, देखिए गोरखपुर में बात किया जाए तो तमाम जगह यूनिवर्सिटी के बाहर भी और गोरखनाथ मंदिर में भी अबीर गुलाल उड़ाए गए, पड़ाके फोड़े गए, चटाइयां फोड़ी गई हैं, और तमाम तरीके से लोग अपने आप को खुशियां मिठाई बांट बांट करके खिला करके कर रहे थे। रोड पे लोग को रोक रोक करके मिठाइयां बांटी गई हैं और जितने भी जनता थी उनको मिठाई खिलाई जाती है, हर्षोल्लास था यहाँ पे। जी हिमांशु, गोरखपुर में क्या बीजेपी को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है इस चुनाव में? जी नहीं, इस बार इस चुनाव में 9 के 9 विधान सीट जो है सभा की सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। और बात करें तो इस बार हालांकि कहीं कहीं लड़ाई थी, जैसे चौरी चौरा में लड़ाई थी और ग्रामीण में लड़ाई थी, लेकिन जो देखने के लिए लगा कि लड़ाई होगी, लेकिन आंकड़ा जीत का हर उम्मीदवार से ज्यादा ही रहा है। जी, अगर बात करी जाए सभी विधानसभा सीटों की, तो क्या कहीं पे कोई ऐसा प्रत्याशी रहा है जो कम अंतर से जीता हो?
जी नहीं, ऐसा तो कोई आंकड़ा नहीं रहा है। जब बात करें फतेह बहादुर सिंह की, जो कि कैंपियरगंज से रहे हैं, आप बात करें चौरी चौरा की या फिर ग्रामीण की, चिल्लू पार की, तो ऐसा कहीं आंकड़ा नहीं रहा है कि कम वोटों का किसी का अंतराल हो। हर प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदी से कम 5 से 6 हजार, 7 हजार, 8 हजार, 10 हजार वोटों से, यहाँ तक कि 50 हजार वोट से भी जीते हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, अगर मुद्दों की बात करी जाए तो गोरखपुर में चुनाव से पहले कौन से मुद्दे थे जिसपे इस बार, अब जब सरकार बन रही है, फिर से बीजेपी की बन गई है, तो कौन से मुद्दों पे काम किया जाएगा? देखिए, बात किया जाए बीजेपी जो गवर्नमेंट फिर से बन रही है, योगी की, योगी 2.0 कह सकते हैं आप इसको, जो बनेगी, इनका पहले से ही मुद्दा रहा है और ये चुनाव में भी रहा है, राम मंदिर मुद्दा रहा है और सुरक्षा का रहा है, महिला सुरक्षा, 3 तलाक रहा है, अपराधियों पे बुलडोजर चलने का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। तो क्यों आप कह सकते हैं कि राशन का मुद्दा रहा है कि राशन हमने बांटा है, तो और सपा इस बार कही थी कि हम पेंशन देंगे, तो ये कह सकते हैं कि पेंशन पे राशन भारी पड़ गया है, बुलडोजर चल चुका है। जी कौन से रुके हुए कार्य है जिसको अब दोबारा सरकार बनने के बाद उन्हें पूरा करेगी? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र में या यहाँ पे भी जल जमाव की समस्या रहती है। कई मोहल्लों में ऐसा होता है कि बरसात के, चूंकि गोरखपुर की जो पृष्ठभूमि है पूरी तरह से आपको देख लें तो एक कटोरा कार है जहाँ से बीच में पानी भर जाता है, हर तरफ से गोरखपुर नदी से भी नीचा है। ऐसे में इसको सुधारा जाएगा, बांध के जो बांध बने हुए हैं उनको मजबूती से बनाया गया, उन पर रोडें बनाई गई हैं, तो इस कार्य को और तेजी से बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। जी जिस तरह से आपको बता दें, जी बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु अपनी बात पूरी करें, बता दें कि जो चंद्रशेखर रावण, जो उन्होंने पहले ही बताया था कि अगर सीएम योगी कहीं से भी लड़ते हैं, चाहे वो अयोध्या से लड़े, मथुरा से लड़े, बनारस से लड़े या गोरखपुर से, वो वहां से लड़ेंगे और सीएम योगी को हराएंगे और जेल भेजेंगे। ऐसे में आप देख सकती हैं कि चुनाव के नतीजे आने के बाद यहां से चंद्रशेखर रावण की जमानत भी जब्त हो चुकी है। जी अगर बात करी जाए जीत के बाद बयानबाजी की, तो कोई बयान चंद्रशेखर रावण या फिर किसी विपक्षी का आया है हार के बाद? जी नहीं, किसी भी पक्षी का कोई भी बयान नहीं आया है। सभापति शुक्ला जो है उनसे, जो सेकंड नंबर पे रही है योगी आदित्यनाथ के बाद, उनसे योगी आदित्यनाथ का आंकड़ा जो है 1,03,500 वोटों का है, और इसके अलावा चंद्रशेखर रावण जो है वो 6,000 वोट पे ही निपट गए, 10,000 का भी आंकड़ा पार नहीं कर सके। तो किसी तरह का कोई बयानबाजी नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको मालूम था कि सीएम योगी के सामने टिक पाना बहुत बड़ी बात है। जी अगर बात करी जाए सीएम योगी के आने की, क्योंकि जब भी कोई जीतता है तो अपने घर जरूर आता है, गोरखनाथ मंदिर जरूर आएंगे, तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है, कब का उनका कार्यक्रम निर्धारित है, कब आने वाले गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ? देखिए, कल जीत के बाद ही 5 बजे उन्होंने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसके बाद वहां पे समर्थकों के सामने साथ जो है होली खेली और जिसका जश्न मनाया, जो आप हम सभी लोगों ने देखा, और इसके बाद गोरखपुर आने का कार्यक्रम है और गोरखपुर परसों योगी आदित्यनाथ आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहां से वो फिर जाएंगे और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जो है वो, जिसका डेट अभी निर्धारित नहीं है, जैसे ही निर्धारित होता है शपथ ग्रहण में समारोह में शामिल होंगे और शपथ लेने के बाद फिर गोरखपुर आएंगे, जिसमें एक तरह से आप देख सकते हैं वापस जश्न का माहौल रहेगा, क्योंकि आज तक का इतिहास दोहरा दिया गया है यूपी में। क्योंकि बात करें कि यूपी में कोई भी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आई है, हमेशा बदला हुआ है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सीएम योगी का बुलडोजर चला है और दोबारा सीएम योगी ने भाजपा की सरकार बनाई है और पूर्ण बहुमत से बनाई है। जी बिल्कुल, यानी कि शपथ ग्रहण से पहले और बाद में दोनों बार आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर, गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हिमांशु, और तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का काफी लगाव है और गोरखपुर से, और गोरखनाथ मंदिर दर्शन पूजन करने के बाद ही शपथ ग्रहण करेंगे, तो अपनी जनता का भी आभार प्रकट करने, जिनका सबसे ज्यादा प्रेम स्नेह मिला है, गोरखपुर जाना लाजमी है सीएम योगी आदित्यनाथ का। लेकिन उससे पहले जो भी सत्ता से जुड़े राजनीतिक और महत्वपूर्ण कार्य है, जो जिम्मेदारी है, सीएम पहले उसको निभाएंगे, उसके बाद अपने घर लौटेंगे। तो गोरखपुर घर माना जाता है सीएम का, और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने उनकी आवाज पहुंची है अनुप्रिया पटेल। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में बीजेपी को मिली बड़ी जीत, अनुप्रिया पटेल मुख्यमंत्री आवास पहुंची, सीएम योगी से मुलाकात करने अनुप्रिया पहुंची। बड़ी जीत के बाद मुलाकातों का दौर शुरू, यूपी में बीजेपी को मिली बड़ी जीत, अनुप्रिया पटेल मुख्यमंत्री आवास पहुंची, सीएम योगी से मुलाकात करेंगे अनुप्रिया। बड़ी जीत के बाद मुलाकातों का दौर जारी, कई बड़े दिग्गज और चेहरे सीएम
सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने, उनको शुभकामनाएं देने, उनके आवास लगातार कल से ही पहुंच रहे हैं और आज भी ये सिलसिला लगातार जारी है। कई बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं सीएम आवास और आज शाम 5 बजे सीएम अपने मंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजधानी से लेकर हर तहसील